सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन आईपीएस रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन जयपुर अध्यक्ष, श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सनमत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर, मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार, कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली, डॉक्टर अंजलि जैन धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर, परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया, श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बीटी दामाद, प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई, पुत्र एवं पुत्र वधु श्रीमान सुभाष चंद जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक, स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली, श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर, परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविकारिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। एक वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119100002 7378, IFSC कोड BARD0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। चना हमारे पास है, उसे बेसन की बूंदी बनाओ या नमकीन बनाओ या कच्चा खाकर पेट दुखा, या उसे रख दो तो घुन लग जाएगा, चना आपके पास है। इसी प्रकार से कर्म हमारे जब तक उदय में नहीं आया तब तक हम उसे चाहें तो संक्रमित कर सकते हैं, उसे शुभ परिणामों से थोड़ा सा बदल सकते हैं, मंद उदय में कर सकते हैं, क्योंकि जो पाषाण और शैल की तरह थे कर्म मजबूत थे, नहीं बदले जा सकते थे, उन्हें हम लता और दारू रूप में कर सकते हैं। लता और दारू का मतलब समझ गए, लकड़ी को, बैंत की लकड़ी को या बेल को जहाँ चाहे घुमा सकते हैं। हम शुभ कर्मों के माध्यम से कर्मों की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। हमारे यहाँ आम के अचार के लिए आम आया है, उसे चाहे तो मुरब्बा बनाकर खाओ और चाहे तो खट्टा,
अचार बनाओ और चाहे तो ऐसे ही खा कर दांत खट्टे करो, तुम्हारे ऊपर गए। इसलिए ये मत कहना कर्मों का भगवान, जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। नहीं, हम कर्मों का पुरुषार्थ करेंगे। कर्म तो सिर्फ कर्म है, हमें कैसे लाना। हमारे इतने मुनिराजों को उपसर्ग हुए, घानी में फेल दिया, अग्नि में जला दिया, गोधन में बंद करके उन्हें जलाकर मार दिया गया, घानी में फेला गया, बहुत कष्ट दिए गए। लेकिन उन मुनियों ने उस समय अपने आत्म ध्यान की शक्ति से मोक्ष पा लिया। हमें तो जरा सी कोई बात कह दे तो हम तो जब तक उसे और बढ़ा चढ़ा नहीं दे तब तक चैन नहीं पड़ते। हर कोई हाथ दिखाता है, मैं कहती हूँ कभी निराश मत होना, जीवन में उदास मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। हमें ऐसे कोई कृत्य नहीं करने हैं जिनसे ऐसी पर्याय, जो आज के दिन की बात है, हमें ऐसी पर्याय नहीं पाना है। और एक सेठ के घर में एक किसी नौकर को, अनाथ बच्चा था, उसे नौकर नौकरी के लिए कोई कह गया कि बच्चे के माँ बाप मर गए हैं, आप इसे रख लो। सेठ ने सोचा चलो घर में काम करता रहेगा। और सेठ के भी एक लड़का था। एक दिन एक ज्योतिषी आया और सेठ ने अपने लड़के का हाथ दिखाया। अब ज्योतिषी को तो पता नहीं था कि ये नौकर है, ये लड़का है। सेठ ने अपना बेटे का हाथ दिखाया और कहा कि ये बताओ आगे कैसी उन्नति कराएगा। तो ज्योतिषी ने कहा ये तो ज्यादा उन्नति नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हारा लड़का है ना, ये बहुत उन्नति करेगा। ये तुम्हारी पूरी संपत्ति को बड़े अच्छे से बढ़ाएगा और सुख भोगेगा, यही चलाएगा तुम्हारे घर को। अब आप सच बताना, आपके बेटे को छोड़कर कोई नौकर के बेटे को कह दे कि तुम्हारी संपत्ति का मालिक बनेगा, तो आप सच बताना क्या होगा आपके अंदर। आपको तो लगेगा कि आज ही इसको कुछ हो जाए, मेरा बेटा बचा रहा। मैं और शब्द तो नहीं कहूंगी। तो उसने तो ले के हत्यारे को कहा कि इसे मार दो, बच्चा छोटा ही सा था। उसने सोचा मैं क्यों मार दूं, इसे ऐसा करता हूँ कुआं में ढकेल देता हूँ, मरेगा तो मर जाएगा, बचेगा तो बच जाएगा। और कहते हैं कि वो कुएं में कोई पत्थर उसे मिल गया, पटक तो दिया था, लेकिन उस पत्थर के सहारे वो आवाज देता रहा और किसी और दूसरे ने उसे, कोई गोपालक था उसने उसे निकाल लिया, ग्वाला बोलते हैं गाय पालने वाले, और उसके यहाँ वो बच्चा पलने लगा। क्योंकि उसके भी बच्चा नहीं था, उसके जिसके यहाँ गया वो उसके यहाँ बच्चा नहीं था, तो बड़े लाड़ प्यार से पला। अब लाड़ प्यार से पला और सेठ तो इस बात को भूल सही गया था। वो बहुत दिन बाद जब किसी दूसरे गांव में गया, लोगों ने कहा यहाँ बहुत अच्छा घी मिलता है, और वो घी के व्यापारी के यहाँ गया तो पहचान लिया उसने, कुछ निशान तिल आदि ऐसे थे। बोले तुम्हारा बेटा है क्या? बोले हाँ। अब आपको पता है सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से हवाइयां तोड़ गई। वो बोले ये तो मेरा बेटा है। बोले तुम्हारा कहाँ से है? बहस होती रही। गांव वालों ने आके कहा भैया तुम तो, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे गांव में पता लगा लिया, तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें यहीं पर सजा दी जाएगी। अब वो वहां से तो चला गया सेठ, और किसी से कह के उस लड़के को छल कपट से बुलाया और कहा कि ये घी हमारे घर पे दे आओ, और एक पत्र लिखा कि इसको तुरंत विष दे देना, इंतजार मत करना, इसे तुरंत विष दे देना, एक क्षण का भी इंतजार मत करना। और मैं माने आ नहीं सकता हूँ, लेकिन इस कार्य को आज ही कर देना। और अचानक वो जा रहा था, थक गया था, एक बगीचे में सो गया। वो बगीचा किसी वेश्या का था। वेश्या ने देखा, अरे ये वक्त बहुत सुंदर सुडौल स्वस्थ है, कैसा शांति से सो रहा है, ये तो कोई बड़े आदमी का लड़का लगता, देखूं जेब में पैसा है कि नहीं। और वो आई और जेब टटोलने लगी, जेब में देखा तो पैसे तो ज़्यादा नहीं थे,
लेकिन एक कागज लिखा हुआ था और लिखा था इस युवक को तुरंत विष दे देना। उसने सोचा अरे किसने इसको मारने की योजना बना रखी। उसने अपने काजल से एक तिनके से काजल लिया और उसमें एक डंडा घिस दिया, विष को विषा कर दिया, विषा दे देना। अब समझ गया दे देना, आज ही जरूरी काम से आ नहीं पा रहा, बाकी तो सब ठीक था। अब जब वो सेठ के घर गया तो सेठ की एक लड़की भी थी, उसका नाम विषा था। अब सेठानी ने कहा कि क्या लिखा है, बेटी ने पढ़ा कि इसको विषा तुरंत दे देना, आज ही दे देना, बहुत मैंने मैं आ नहीं पा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, लेकिन ये काम में देर मत करना। अब लड़कों ने आपस में बुलाया, बोले पिताजी का पत्र आया, ये पत्र भेजा है कि विषा दे देना, और बेटी की उसी दिन शादी हो गई। अब वो महीने भर बाद आया सेठ, तो देख रहे तो घर में जिंदा बैठा हुआ। पत्नी से पूछा कि तुमने क्या किया, बोले तुमने जो लिखा था वो किया। बोले अरे मैंने कहा था विष दे देना, बोले देखो पत्र में विषा लिखा है कि नहीं, इसलिए मैंने विषा दे दिया, विषा की शादी कर दी। अब वो कहने लगा देखो भाई ये तो कुछ भी हो मैं तो इसको नहीं बचने दूंगा। तो कहने लगे अब क्या करें, तो कहने लगे मैं कहीं मंदिर में बात करके आता, और मंदिर में बात करके आया कि कल उसे भेजूंगा और तुम काम तमाम कर देना। और सास ने बड़े प्यार से कहा कि हमारे यहाँ जमाई शादी होने के बाद एक बार उस देवी पे प्रसाद चढ़ाने जाता है। अब लड़की बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था, और भेज दिया। अब भेज दिया तो रास्ते में जो साला था, सेठ का लड़का था, वो जुआ खेल रहा था और वो हार रहा था। ये निकला, कहने लगे क्या कर रहे हो साले जी। कहने लगे कि मैं तो हार रहा हूँ जीजा जी, कुछ ऐसा करो कि जीत जाऊँ। उसने दो चार दाव लगाए, जीत गया। वो कहने लगा जीजा जी बहुत पैसा है इन लोगों के पास, आप लोग आप जीतो जब तक मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा माँ ने कहा है देवी पे प्रसाद चढ़ाने जाना है। बोले मैं चढ़ा के आता हूँ। और आप समझ गए, प्रसाद बता रखा था कि इतना इतना थाल में ऐसा लाएगा, इस कपड़े से ढका होगा और उसे मार देना। अब वो तो पंडित वहाँ जो जल्लाद थे उनने ऐसा ही किया। अब वो फिर लौट कर आया तो सास ने पूछा कि तुम, बोले तुम क्या मतलब क्या, प्रसाद चढ़ाने भेजा था प्रसाद चढ़ गया। तो बोले कि तुम गए नहीं चढ़ाने। बोला कि भाई साहब मिल गए थे रास्ते में, उनने कहा मैं चढ़ा दूंगा। अब आप सोच लीजिए क्या हाल हुआ होगा। थोड़ी देर बाद ही पता चल गया कि वो तो नहीं, मेरा बेटा मर गया। अब तो बहुत ज्यादा आकुलता हुई। सास ने बहुत समझाया कि कम से कम बेटा गया, जमाई को ही जीने दो। वो बोला मैं मर जाऊंगा यदि जमाई नहीं मरा तो, मेरे बेटे को भी इसने मार दिया, इसके कारण मर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत गुस्सा करा, कहने लगे कुछ कर वरना मैं मर जाऊंगा। अब पत्नी सोच रही थी मेरा पति तो बचा रहे, और उसने क्या कहा, सोचा कि मैं अपने हाथ से तो जमाई को कैसे खिलाऊं, बेटी क्या सोचेगी। और उसने लड्डू बनाए, एक बनाए चीनी की मेवा डाल के, बढ़िया ड्राई फ्रूट डालकर, एक सादा। और उसने जो सादा लड्डू थे वो तो सादा ही थे, और ड्राई फ्रूट्स वाले में उसने जहर डाल दिया। और बेटी से कहने लगी कि तेरे पिताजी को तो सादा लड्डू दे देना, मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन जमाई जी को बढ़िया मेवा के लड्डू दे देना। अब बेटी के मन में आया कि जमाई, मेरे घर में घी दूध की कमी है क्या, मेरे ससुराल में तो बहुत घी दूध है, मैं वहाँ उनको रोज खिलाती रहूंगी, आज कम से कम पिताजी और ये दोनों साथ में खाने बैठे तो ऐसा क्या अच्छा लगेगा कि मैं पिताजी को सादा लड्डू दूं और इनको मेवा के दूं। तो उसने अपने पति को तो सादा लड्डू दे दिए और पिताजी को मेवा के लड्डू। पर समझ गए मेवा क्या हुआ होगा, मेवा से सेठ जी का भी राम नाम सत्य हो गया। लेकिन उस युवक ने एक मुनिराज से पूछा कि मुनिराज महाराज, हमारी जिंदगी इतने बार मौत के मुंह से क्यों वापिस आ गई, हमारी जिंदगी इतनी बार मौत में जाकर वापिस क्यों लौट आई, इतने इतने निमित्त, क्योंकि सास तो रो ही रही थी,
कि उनने पहले विष देने का कहा था, फिर ये कहा था, फिर वो कहा था, वो कहा था, और खुद मर गए। ये सोच सोच के सास रो रही थी, तो जमाई को भी पूरी बातें पता चल गई। तो उसके बाद मुनिराज ने कहा, तुम पहले एक मछुआरे थे, किसी मुनिराज के उपदेश से तुमने पहली मछली को ना मारने का नियम लिया था, और तुमने उसके गले में एक पहचान के लिए धागा बांध दिया था, और वो पांच बार आई दिन भर में, वही वही आई, पांच बार आई, और तुमने पांच बार उसे छोड़ दिया। उस दिन तुम भूखे सोए, तुम्हें कुछ कमाई नहीं हुई, लेकिन उस एक दिन की कमाई, पुण्य की कमाई, तुम पांच बार मौत के मुंह से बचे हो। तो ध्यान रखना, हम ऐसी कोई पर्यायों को आगामी प्राप्त नहीं करेंगे। अब तो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम मोक्ष लक्ष्मी को भरेंगे और हम धर्म करेंगे। धर्म का मतलब अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि लाएंगे कि हमारा तन भी पुण्य हो जाए, हमारा मन भी पुण्य हो जाए, और हमारा धन भी पुण्य हो जाए। हमारा मन एक दिन, क्या सिद्धों के मन होता है क्या? नहीं होता है। हमारा मन एक दिन अमन हो जाए, अमन अमन का अर्थ दो होता है, बिना मन के हो जाए, और अमन का मतलब कोई गम नहीं रहे, और हमारा तन क्या हो, एक दिन परम औदारिक हो जाए, तन से विगत देह हो जाए, विदेह हो जाए, और धन एक दिन परम धन में बदल जाए, अनंत चतुष्टि में बदल जाए, नौ लब्धियों में बदल जाए। आप पता, नौ लब्धियां होती हैं, तो हमारी वो नौ लब्धियों बदल जाए, और आज सब एक ही माला फेरना, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान ने हिंसा को मिटाया था। हम अंदर में एक ही भाव नभाएंगे, परमात्मा हमारी आगामी पर्याय ऐसी कोई नहीं हो, और इस पर्याय में विवेक पूर्वक जीवन यापन करें, ताकि कोई पाप बंद नहीं हो।